बचपन हर किसी का होता है और बचपन के खेल भी निराले होते हैं। कोई गुल्ली डंडा खेलता है, कोई कंचे खेलता है, कोई पतंग उड़ाता है, क्रिकेट भी है इस देश में, फुटबॉल भी खेलते हैं बच्चे, और कुछ खेल ऐसे होते हैं जो बड़े दिलचस्प होते हैं और वो बड़े निराले होते हैं, खुद ही डेवलप कर लिए जाते हैं, खुद ही उनकी उनका उनकी खोज हो जाती है। तो ये किस्सा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लखनऊ में दो भाइयों ने एक नया खेल खोज लिया और वो खेल था रेडियो रेडियो। और बड़े भाई भी संगीत में बहुत दिलचस्पी रखते थे, छोटे भाई भी रखते थे, तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि आप अनाउंसमेंट करिए और मैं जो है वो गाने गाऊंगा। तो बड़े भाई ने अपना थोड़ा रौब दिखाया और कहा कि नहीं नहीं अनाउंसमेंट तुम करो, गाना मैं गाऊंगा। जब ये बात थोड़ा बढ़ गई तो एक चपत भी बढ़ गई छोटे भाई को और कहा गया कि नहीं अनाउंसमेंट करनी तो तुम्हें ही पड़ेगी। तो गुस्से में छोटे भाई ने जो अनाउंसमेंट की वो बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, रात के 11 बजने हैं, विविध भारती कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और कार्यक्रम समाप्त हुए। अब ये जो छोटे भाई का ये अनाउंसमेंट था, वो छोटे भाई बाद में बन गए पूरी दुनिया में भजन सम्राट के नाम से मशहूर अनूप जलोटा जी। तो क्यों ना उनसे पूछे कि इस किस्से के बाद क्या हुआ, फिर वो बचे कैसे मार से, भैया कैसे बचे फिर? मैं तो उसके बाद भाग लिया था, तो वो मुझे ढूंढते रहे, मैं भाग गया कह के। तो इस तरह की नोक झोंक हमारी हमारे भाई से बहुत होती थी। और वो जो आपने कंचे खेलने का जिक्र किया ना जी, कंचे हम भी बहुत खेलते थे और कंचे खेलने में हमको मार पड़ी थी पिताजी की बहुत। पिताजी ने कहा अगर खेलना ही है कुछ तो क्रिकेट खेलो, कंचे का कौन सा वर्ल्ड टूर्नामेंट होता है। तो फिर हमने फिर क्रिकेट में दिलचस्पी ली, क्रिकेट खेली और क्रिकेट हम अच्छी खेलने लगे थे जी। हम अपनी टीम में थे, कॉलेज की टीम में भी थे, अच्छा खेले। और इसीलिए कुछ क्रिकेट प्लेयर से हमारी दोस्ती भी है, जैसे कपिल देव हैं, सुनील गावस्कर जी हैं, इन सब से हमारी अच्छी मुलाकात है। तो ये पिताजी ने हमें कहा था कि कंचे छोड़ो, क्रिकेट खेलो। और पिताजी तो आपके खुद इतने मतलब मशहूर और इतने विश्वविख्यात भजन सम्राट के तौर पर उनकी भी उपलब्धि रही, उनकी भी गायकी रही, उनकी देन है जो हम गाते जी, बिल्कुल। हमारा अधिकांश संगीत जो है वो उनका ही है जिसे हम गाते हैं जी, उसे हम और पॉपुलर कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि उस समय में उन्होंने इतनी लिबर्टी आपको दी कि अच्छा खेल लो, वरना तो खेलने का जमाना कहाँ था? वो तो कहावत ही थी कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो और एक आदमी जिसके घर में संगीत है, उन्होंने आपको ये लिबर्टी दी है, आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल दी है, लेकिन साथ में रियाज भी खूब कराते थे। अच्छा, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, कमरे में बंद कर देते थे कि आज 3 घंटे बाद दरवाजा खोलूंगा, केवल सा गाना और कुछ नहीं, एक सुर सा बस। दूसरे दिन बंद कर दिया, रे गाना आज। इस तरह एक एक सुर को उन्होंने हमारे कंठ में स्थापित कर दिया। तो कभी रियाज ना करने के लिए भी पिटाई हुई या सिर्फ? हाँ, होती थी कभी, आज तुमने रियाज नहीं किया ठीक नहीं। देखिए रियाज करना इतना ज़रूरी है, मैं आपको बताऊं कि आज भी मैं 3-4 घंटे रियाज करता हूँ। अच्छा, और यही कारण है कि आज अब नाउ आई एम 66, इस उम्र में मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी 36 साल का ही हूँ और मैं उस तरह 3-4 घंटे प्रोग्राम में गा जाता हूँ। सच तो ये है कि अगर आप 3 दिन ना नहाएं तो आपके शरीर से बदबू आने लगती है, 3 दिन रियाज ना करिए तो आपके गाने से बदबू आने लगती है। क्या बात, ये इतना ज़रूरी है। तो इसको अगर तीखे शब्दों में कहा जाए तो ऐसे कहा जाएगा।